दोस्तों, वीकेंड इंस्पायर की तरफ से आपका भरपूर स्वागत है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। हमारे कई दर्शक सब्सक्राइबर्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में जानना चाहते हैं कि बिना सेंटर में आए, यानी हमारे जो सेंटर है वो तो बैंगलोर और रांची में आए हैं, तो यह कैसे संभव है कि हम भी पब्लिक स्पीकिंग सीखें। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि हमारे कई लर्नर्स हैं जो यूएस में हैं, इंडिया में हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। आश्चर्य होगा आपको कि यह कैसे संभव है। हाँ दोस्तों, यह संभव है। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में यह संभव है। चलिए हम देखते हैं यह कैसे संभव है। तो दोस्तों, हमें याद रखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है, टेक्स्ट भी देखा जा सकता है तथा वीडियो भी किया जा सकता है। इन तीनों का प्रयोग करके हम पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, जैसे लोग सीख रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में जो बातें आवश्यक हैं वो क्या हैं। एक है स्वर, आवाज। दूसरा है प्रस्तुतिकरण शैली, या हम इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंटेशन स्टाइल। और तीसरा है विषय वस्तु। तो ये तीनों भी हम रिकॉर्डिंग के द्वारा या वीडियो के द्वारा या मेल के द्वारा, यानी ऑफिस के एमएस ऑफिस के द्वारा यह जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, फिर भी हम कुछ मुख्य बातें जरूर देखते हैं और प्रैक्टिस करके भी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे पहली बात है स्वर यानी आवाज। तो आवाज अगर एक बड़ी सभा हो या एक छोटी सभाघर हो या एक मध्यम सभाघर हो, तो आवाज कैसे रखें? एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे प्रिय मित्रों एवं यहां आए हुए अनेक अनेक साथियों, तो यह एक खुली आवाज होगी, बड़ी सभा होगी, तब इस प्रकार की आवाज की आवश्यकता है। अगर छोटी सभाघर हो तो कैसे करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे जो मित्र हैं वो यहां जो आए हुए हैं उनको हम संबोधित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण एवं सामने बैठे हमारे कई श्रोतागण जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं, तो यह एक और नमूना हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं स्वर या आवाज को। तो स्वर या तो ऊंचा हो या मध्यम या नीचा, यह निर्भर करेगा कि सभा कैसी है। अगर खुली सभा है, बहुत बड़ी खुली सभा है, तो यह स्वर कैसे रखेंगे? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे प्यारे मित्रों और हमारी माताएं एवं बहनें जो यहां उपस्थित हैं, तो यह तो है कि जब सभा खुला हो या खुली हो उसके अनुरूप। सभागर अगर मध्यम हो, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, तो क्या करेंगे? हमारे प्यारे मित्रों, माताएं, पिताएं, बहनें, हमारे भाइयों, तो मध्यम सभागर में। अगर सभागर छोटी हो तो कैसे करेंगे? हमारे प्यारे मित्रों, माताएं, बहनें, भाइयों जो यहां आज उपस्थित हैं, उसी प्रकार माहौल जो होगा, यानी कि जोशीला माहौल होगा या खुशी का माहौल होगा या दुख भरा माहौल होगा या जिज्ञासा का माहौल होगा, उसके अनुरूप आपको अपनी स्वर या आवाज में परिवर्तन करनी होगी। तो अगर दुख भरा माहौल होगा तो आप इस तरह से कहेंगे, हमारे मित्रों और यहाँ आए हुए श्रोतागण, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। यही अगर जोशीला माहौल हो, हमारे प्यारे मित्रों, माताएं, बहनें, भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है,
तो आपने देखा कि कैसे हम अपने स्वर को समय के सभा और समय के अनुसार अनुरूप बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। स्वर से ही एक और बात संबंधित है, वह है उतार चढ़ाव। इंग्लिश में उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। उतार चढ़ाव क्यों? तो उसका एक कारण है, या उसके कई कारण हैं। एक है कि आप श्रोता को जागरूक रखें, उन्हें दूसरा उन्हें आकर्षित करें, तीसरा माहौल में निरस्ता ना आने दें, चौथा है कि शब्द एवं वाक्यों के अनुरूप आपको अपनी आवाज में परिवर्तन करनी होगी। अगली बात है कि विषय के किस पहलू पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं, उसके अनुरूप आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव करते हैं। उसी प्रकार अगर आप एक कविता, उसी में कविता पाठ करते हैं, या एक नारा लगाते हैं, या एक शेर कहते हैं, तो भी किस प्रकार का उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो यह सब हम सीख सकते हैं व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके। यानी आपको एक विषय दे दिया जाएगा, आपको यह बताया जाएगा कि इस विषय के बारे में आप किस प्रकार शुरुआत करते हैं। अलग अलग प्रकार से शुरुआत होगी और उस शुरुआत को स्वर के अनुसार, उतार चढ़ाव के अनुसार आप कैसे परिवर्तित करेंगे, यह आपको रिकॉर्डिंग के द्वारा समझाया जाएगा या सिखाया जाएगा। तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे और हम उस पर सुधार करेंगे, आप कई बार उस पर सुधार कर या सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यही, और अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में अगला बताएंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।